इस वीडियो में आपको वाटर ड्रेनिंग तथा हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर के बारे में बताएंगे। प्रोडक्ट रिसीट, सर्कुलेशन, रेनी सीजन, इंटर टैंक ट्रांसफर इत्यादि के बाद में आपको वाटर ड्रेनिंग करना तथा ऑफिसर की प्रेजेंस में ही करना है। जिस टैंक का आपको वाटर ड्रेनिंग करना है, आप उसके डाइक के बाहर जाएंगे और कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट करके उस टैंक का वाटर रीडिंग यदि नोटिसेबल है, डेप्थ, टेम्परेचर तथा वाटर ड्रॉफ की प्लास्टिक सील नंबर पूछकर अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर आपको डाइक के सामने दो वॉल मिलेंगे, एक जो कि आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेन में कनेक्टेड है तथा दूसरा जो ओडब्ल्यूएस ड्रेन में कनेक्टेड है। ये दोनों वॉल हमेशा लॉक कंडीशन में होते हैं। इसके लॉक की कंडीशन वेरीफाई करके आप ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि कंट्रोल रूम से लाई गई चाबी से उसका लॉक खोले। यह लॉक खुलने के बाद आपको उसके जो डाइक वॉल इंडिकेटर लगे हुए हैं वॉल में, उसकी कंडीशन आपको कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट करके पूछना है कि वो 0% पे है कि नहीं। किसी भी वाटर ड्रेनिंग के पहले आपको उस टैंक को प्रॉपर सेटलिंग टाइम देना है, जो कि 1 आवर पर फुट होता है, मिनिमम 12 आवर्स तथा मैक्सिमम 24 आवर्स होता है। और यह एक्टिविटी आपको ऑपरेशन ऑफिसर की पोजीशन पे करना है। यहां पर ऑफिसर ने कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट करके यह इंश्योर किया है कि डाइक वॉल इंडिकेटर 0% पे है और ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि अब वह वॉल खोले। वॉल खोलने के समय आपको कंट्रोल रूम से पूछना है कि अभी उस वॉल की कंडीशन क्या दिख रही है। जैसे ही आपको कंट्रोल रूम कम्युनिकेट करेगा कि वह वॉल खुल चुका है, तो आपको ऑपरेटर को रोकना है कि अब वॉल खोलना बंद करे। यहां पर आप देख रहे हैं यह डाइक वॉल इंडिकेटर लगा है जो कि वायरलेसली कंप्यूटर कंट्रोल रूम के साथ में कम्युनिकेट करता है। जैसे ही आपने वॉल खोला, इसका लीवर उड़ गया है और वह कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम में भेज रहा है कि यह वॉल कितने परसेंट खुल गया है। यह प्रक्रिया करने के बाद में आपको डाइक के अंदर जाना है। पहले हमारे पास में 4 इंच की वाटर ड्रॉफ लाइन होती थी, जिससे कि जब हम वाटर ड्रॉफ करते थे बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्ट निकलता था। अभी हमने उस 4 इंच की वाटर ड्रॉफ लाइन को ब्लाइंड करके पैक कर दिया है तथा अभी हम इसे यूज नहीं करते हैं। इसके जगह पर हमने 1.5 इंच की वाटर ड्रॉफ लाइन लगाई है, जिसके अंदर में 2 वॉल होते थे तथा 1 ब्लाइंड फ्लेंज लगा रहता है। यह जो आपका वाटर ड्रॉफ लाइन का बॉडी वॉल्व है, उस पर हमेशा प्लास्टिक सील लगी रहती है। यह फ्लेंज लगी हुई है तथा फ्लेंज के आगे की तरफ में 1 वॉल्व लगा रहता है। आपको सबसे पहले जब भी आप वाटर ड्रेनिंग करते हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर रखा हो, ताकि किसी भी टाइप का अनफोर्सीन इंसिडेंस को आप कंट्रोल कर सके। वाटर ड्रॉफ से जो पानी निकलता है वह इस फनल में जाता है, जो कि एक पाइपलाइन के थ्रू डाइक के अंदर में जो एक सम्प बना हुआ है उसमें दूसरी फनल लगी है, उसमें गिरता है। अर्थात वाटर ड्रॉफ का पानी तथा प्रोडक्ट की ट्रेसेस किसी भी तरीके से डाइक के फ्लोर पर नहीं आती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि यह पाइप इस फनल में गया हुआ है। इस पिट के पास में हमने हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर लगा के रखा है। यह सिर्फ एमएस टैंक में है, ताकि इस पिट में या इस फनल के आसपास कोई भी एमएस की वेपर होती है तो उसे ट्रेस करके वह सिक्योरिटी गेट तथा कंट्रोल रूम में सिग्नल देके नोटिफाई कर सके। यहां पर आपको सबसे पहले उसका प्लास्टिक सील तोड़ना है तथा इसका जो प्लास्टिक सील नंबर है आपको पुराने रिकॉर्ड में, जो कि आपको कंट्रोल रूम से बताया गया है, उसके साथ में वेरीफाई करना है। यदि यह वेरीफाई नहीं करता है तो इमीडिएटली आपको टीएम एवं डीटीएम को कम्युनिकेट करना है। प्लास्टिक सील तोड़ने के बाद में आपको उसका सीलिंग वायर निकालकर आपको उस वॉल को रेडी करना है, ताकि वाटर ड्रॉफ की एक्टिविटी शुरू की जा सके। सबसे पहले आप डाइक वॉल को बंद रहने देंगे, ब्लाइंड को क्लोज कंडीशन में रहने देंगे तथा ब्लाइंड के सामने वाला वॉल खोलेंगे। इस समय पे आपकी एक बॉन्डेड बकेट उस पाइप के नीचे लगी रहनी चाहिए। इससे इंश्योर करेंगे कि ब्लाइंड के आगे में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। यह इंश्योर करने के बाद में आप ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि अब वह ब्लाइंड को रिवर्स कर सकता है। ब्लाइंड को रिवर्स करते समय आपको यह इंश्योर करना है कि जो आप टूल यूज कर रहे हैं वह नॉन स्पार्किंग टूल है। किसी भी हालत में आप माइल्ड स्टील तथा गैल्वेनाइज्ड टूल यूज नहीं करेंगे। यहां पर आपने देखा ऑपरेटर अभी उसका ब्लाइंड रिवर्स कर रहा है। ब्लाइंड रिवर्स करने के बाद में आपको
यह एंश्योर करना है, ब्लाइंड के सामने वाले वॉल को बंद करके यह एंश्योर करना है कि जो आपने ब्लाइंड रिवर्स किया है उसकी गैस्केट बराबर लगी है तथा वहां से कोई भी लीकेज नहीं हो रहा है। इसके लिए आप इस वॉल को बंद करेंगे, बॉडी वॉल को एक क्रैक ओपन करेंगे तथा इंश्योर करेंगे कि उस ब्लाइंड से कोई लीक नहीं हो रहा है। वाटर ड्रेनिंग की एक्टिविटी के समय में टैंक के अंदर में किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, अर्थात रिसीट, सर्कुलेशन, इंटर टैंक ट्रांसफर, किसी भी तरीके का ऑपरेशन टैंक के अंदर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सेटलिंग टाइम के ही बाद आपको वाटर ड्रेनिंग करना है तथा यदि वाटर ड्रेनिंग के समय में आपके टैंक में बहुत ज्यादा पानी है तो हर 30 मिनट के बाद में आपको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देना है। अब वाटर ड्रेनिंग की प्रक्रिया करने के लिए, चूंकि वाटर ड्रॉ ऑफ लाइन में प्रोडक्ट भरा रहता है तो सबसे पहले आप उसके नीचे एक बॉन्डेड बकेट लगाएंगे, ब्लाइंड के सामने का वॉल खोल देंगे तथा जो आपका बॉडी वॉल्व है उसे क्रैक ओपन करेंगे ताकि उस पाइपलाइन के अंदर में जो प्रोडक्ट है वह इस बकेट में कलेक्ट किया जा सके। यह प्रक्रिया आपको जब तक करते रहना है जब तक कि उस बकेट में वाटर ट्रेसेस आना शुरू ना हो जाए। आप पहले जो प्रोडक्ट है इसको आप यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। पहले यही प्रोडक्ट जब हम 4 इंच की लाइन में करते थे तो बहुत अधिक क्वांटिटी में निकलता था, अभी मैक्सिमम 1 से 1.5 बकेट प्रोडक्ट निकलता है। यहाँ आप देख रहे हैं अभी प्योर प्रोडक्ट आ रहा है, पाइपलाइन का सारा प्रोडक्ट खाली हो रहा है। यह करने के बाद में आपका ये जो प्रोडक्ट कलेक्ट होगा इसके अंदर में वाटर भी आएगा, आपको वाटर सेपरेट करके इसे रिसीट हेडर में जो भी फनल लगी है उसमें डालना है ताकि इसे टैंक के अंदर वापस भेजा जा सके। आपको किसी भी तरीके से डिस्पैच लाइन में यह प्रोडक्ट नहीं डालना है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट के अंदर में जो पानी मिला हुआ है वो ट्रक के साथ बाहर जा सकता है। अब आप यहां देख रहे हैं कि इस वाटर ड्रॉ ऑफ लाइन से प्योर पानी आना शुरू हो गया है। इस स्थिति में आप वहां से बकेट को हटाएंगे तथा साइड कर देंगे। यहां पर आप वाटर ड्रेनिंग की एक्टिविटी चालू करने के लिए रेडी हैं। इस वॉल को आपको बहुत ही धीमे और क्रैक ओपन करना है ताकि कोई भी प्रोडक्ट के अंदर में स्विल मूवमेंट क्रिएट ना हो सके। स्विल मूवमेंट क्रिएट होने से आपका इमीडिएटली प्रोडक्ट की ट्रेसेस इसके साथ में बाहर आने लगती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि पानी निकल रहा है और पानी आपके इस फनल के थ्रू ओडब्ल्यूएस फनल में जा रहा है। वाटर ड्रेनिंग की एक्टिविटी के समय पे आपके पास में एक ग्लास जार या बोतल होना चाहिए जिसमें आपको कंटिन्यूस सैंपल चेक करने हैं। यह प्रक्रिया आपको जब तक करती रहनी है जब तक आपको वाटर इमल्शन यहां पर आना शुरू ना हो जाए। यहां आप देख रहे हैं अभी पानी ही निकल रहा है इसके बाद में, और वह भी बहुत धीमी गति से निकल रहा है। इसके बाद में ऑफिसर वापस से उसके अंदर में सैंपल लेगा। यह सैंपलिंग की प्रोसीजर आपको कंटिन्यूस करना रहना है तथा यह हमेशा अटेंडेड ऑपरेशन होना चाहिए। किसी भी हालत में आप वाटर ड्रॉ ऑफ लाइन खोल के टैंक डाइक से बाहर नहीं जाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी आना शुरू हो गई है और इसके साथ में वाटर इमल्शन आ रहा है। अधिकतम प्रोडक्ट है तथा नीचे में थोड़ा सा पानी है। इस स्थिति में आपकी वाटर ड्रेनिंग की एक्टिविटी कंप्लीट करना तथा टैंक को रेस्ट टाइम देना है। अभी चूंकि प्रोडक्ट की थोड़ी सी ट्रेसेस आपकी ओडब्ल्यूएस फनल में चली गई है, यहाँ पे इससे हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर एक्टिवेट होता है। इस टाइप की कंप्यूटर स्क्रीन आपकी जो सिग्नल की है वह सिक्योरिटी केबिन तथा कंट्रोल रूम में लगी हुई है। इसमें आपके हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर की पोजीशन टर्मिनल के मानचित्र पे दिखाई गई है। एक टर्मिनल में हर एमएस टैंक में 2 हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर लगे हैं। प्रोडक्ट लोडिंग और अनलोडिंग पंप पे हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर लगे हैं। इसमें आपको टर्मिनल के मानचित्र के अलावा हर हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर की आपको पोजीशन तथा उसका एलईएल वेपर परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू एलईएल आपको मालूम पड़ेगा। सबसे पहले कंट्रोल रूम में सिग्नल आता है जब आपका वेपर कॉन्सेंट्रेशन 20% ऑफ द एलईएल लेवल पहुंच जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे चूंकि ओडब्ल्यूएस फनल में वाटर प्रोडक्ट की ट्रेसेस गई है, एमएस की ट्रेसेस गई है, इसलिए इसका वेपर कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब यह वेपर कॉन्सेंट्रेशन 20% तक पहुंच जाएगा इस स्थिति में आपके पास में कंट्रोल रूम में सिग्नल आएगा और आपके कंट्रोल रूम में सिग्नल कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आता है तथा आपका साउंडर भी बजता है।
जैसे ही आपने देखा 20% पे पहुंच गया है, इस स्थिति में जब आप इसका मानचित्र देखेंगे तो इस मानचित्र में टैंक फॉर्म का एरिया आपका ऑरेंज कलर से ब्लिंक करने लगा है और यहां पर आपका जो पर्टिकुलर टैंक नंबर है वह रेड कलर का हो गया है। आपको यदि वाटर ड्रेनिंग की या किसी एक्टिविटी की जानकारी है, इस स्थिति में आप उस जानकारी को सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर सब कुछ ठीक है। यदि आपको इस तरह की कि किसी ऑपरेशन की जानकारी फील्ड में नहीं है तो इमीडिएटली आप ईएसडी प्रेस करके आप सारे जो ऑपरेशन है वो बंद करेंगे, इस एक्टिविटी इस अलार्म को इन्वेस्टिगेट करेंगे तथा सुनिश्चित होने के बाद ही आप कोई भी ऑपरेशन टर्मिनल में शुरू करेंगे। यहां पर चूंकि 60% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एलियल कभी भी नहीं पहुंचता है, यहां पर हम आपको पर्पसफुली उसको 60% पे दिखा रहे हैं। जनरली वाटर ड्रेनिंग के ऑपरेशन में यह नहीं पहुंचता है। यह जब 60 अभी आप देख रहे हैं नीचे में एक अलार्म दिख रहा है, जब यह 60% ऑफ एलियल लेवल पे पहुंच जाता है तो इस समय पे फील्ड में जो बीकन एवं साउंडर लगा है वह एक्टिवेट हो जाता है तथा इस स्क्रीन के नीचे अन्य अलार्म भी जो कि आपके बीकन एवं साउंडर से रिलेटेड है वह भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में आपको हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर के सिग्नल को इग्नोर नहीं करना है। इस टाइप का कोई भी सिग्नल आता है तो आपको इमीडिएटली फील्ड से उस पर्टिकुलर एरिया को चेक कराना है। यहां पर आप देख रहे हैं अभी 60% ऑफ द एलियल कॉन्सेंट्रेशन पहुंच गया है, फील्ड का बीकन एवं साउंडर एक्टिवेट हो गया है तथा नीचे अन्य अलार्म भी आ गए हैं। यहां पर आपने देखा अभी ये बीकन एवं साउंडर है, यह एक्टिवेट हो गया है और कंट्रोल रूम में इसके अलार्म आ गए हैं। इसके बाद में जब आपको बीकन एवं साउंडर एक्टिवेट होता है तो आपको इस जगह पे किसी ऑफिसर को भेजना है तथा यह इंश्योर करना है कि वहां पर सारी एक्टिविटी सेफ कंडीशन में चल रही है, या आपको उस फील्ड में जो भी ऑपरेटर काम करना है उससे सुनिश्चित करना है कि सब कुछ कंट्रोल में है। जब ये ऐसा कर लेंगे तो आप इस अलार्म को एक्सेप्ट करेंगे जिससे बीकन एवं साउंडर डीएक्टिवेट हो जाए। किसी भी कंडीशन में हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर के सिग्नल को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अभी आपने टैंक को सेटलिंग दिया था, लास्ट में आपको प्योर एमएस का सैंपल मिल रहा था, आपने सेटलिंग करने के बाद में ब्लाइंड के पहले वाला वॉल खोलना है तथा बॉडी वॉल को क्रैक ओपन करके वापस सैंपल लेना है तथा यह इंश्योर करना है कि अब आपके टैंक में बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस सैंपल में आपने देखा कि इसके अंदर में प्योर प्रोडक्ट आया है तथा कोई पानी नहीं है, इसका मतलब अब आपका टैंक पूरी तरीके से वाटर फ्री है तथा आपके वाटर ड्रेनिंग की एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार फिर से ध्यान दें, जब भी आपको वाटर ड्रेनिंग की एक्टिविटी करना है प्रॉपर सेटलिंग टाइम देना है तथा उस समय पे टैंक के अंदर में किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं चलना चाहिए। वाटर ड्रेनिंग की एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद आपको इस लाइन को वापस अपनी यथा स्थिति में क्लोज करना है। यह जो ब्लाइंड है इसको आपको रिवर्स करना है और टैंक का जो बॉडी वॉल्व है उसे भी पूर्ण तरीके से बंद करना है। यह करने के बाद आपको ब्लाइंड के सामने का जो वॉल्व है उसे भी बंद करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ बराबर से बंद है। इसके बाद में जो आपका टैंक का बॉडी वॉल्व है जिसकी आपने पहले प्लास्टिक सील तोड़ी थी, वहां पर आप एक नया ऑपरेटर को बोल के एक नया प्लास्टिक सील लगाएंगे, उस सील का नंबर अपने पास रिकॉर्ड करेंगे तथा आपके कंट्रोल रूम में जो आपका सील रजिस्टर है उसमें इसे दर्ज करेंगे। यह प्रक्रिया करने के बाद में आपको यह भी एंश्योर करना है कि डाइक के बाहर का जो ओडब्ल्यूएस लाइन का वॉल्व है जो आपने खोला था उसे पूर्ण तरीके से बंद करके लॉक कर दिया गया है तथा कंट्रोल रूम से एंश्योर कर लिया है कि वह 0% पे है। वाटर ड्रॉफ के बाद में आपको कंट्रोल रूम से इस टैंक की फाइनल डिप टेम्परेचर इत्यादि की रीडिंग लेकर अपने पास में नोट करना है ताकि यह कैलकुलेट किया जा सके कि उसके अंदर से कितनी मात्रा में हमने पानी बाहर निकाला है। एक बार वापस ध्यान दें,
वाटर ड्रेनिंग की एक्टिविटी हमेशा ऑफिसर के प्रेजेंस में होना चाहिए। धन्यवाद।